আচ্ছা আলি আগে চল 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 पाँचे पाँच चल रहे हैं के ओ बेटे क्यों जा चला Service.
कौन से रास्ते हैं इब? चल यहीं चला यहाँ। This was really great experience. डेड एंड है ये तो डेड एंड है आओ आओ हाय ला रुकियो जरा देखो जगह तो दी थोड़ी सी कोई रास्ता है क्या यहाँ पे रास्ता दिखा रहा है यार यहाँ ते हाँ जी सीधा दिखा रहा है ना आगे की है झाड़ी जगह की है जाके फिर है ना झाड़ी जी साए है जो कर रात ब्लॉक सा कर रखा हो किसी ने ऐसा कर रखा है देखना पड़ेगा रात ठीक है पता है यहाँ से नजदीक के है यार दे हम यहाँ हैं अयो रात ठीक है फिर यार ये रोड दिखा रखा है कच्चा मतलब जो गोंडे टाइप का है देख ले जो राख तोड़ सा रखा हो या फिर वैसा कर रखा हो मेरा सही रहा आंड तो वैसा हो रहा है अच्छा ही हो रहा फक हमने ये क्यों ना देखा इतने ही यूरा से की अच्छा ये देखिए तू हमने क्यों ना देखा ये इतने ही भाई अच्छा हम नीचे ना उतर गए इसने कटना छोड़ गया तो अभी फंस गए थे एक डेड एंड पे बाइक के कुछ ऐसे हैं जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था नेक्स्ट टाइम किसी ना किसी को अपने साथ लेके आएंगे तो इस बार दीपक हमारे साथ आया है और अपने वाली एक्सपल्स और दीपक के एक्सपल्स जो कि रैली एडिशन है प्रो वेरिएंट जो अभी 23 में नया आया था यहाँ डेड एंड था मैंने ध्यान नहीं दिया इससे पहले एक कट था जो नीचे जा रहा था हमें उस कट पे जाना था तो अभी चलो उस कट पे चल रहे हैं भाई ने GoPro की बैटरी चेंज करी थी और मेरा भी शायद चल ही जाएगा आज तो पिछली बार तो बीच में ही मेरे ने एकदम तोड़ दिया था चलो देखते हैं चल भाई तो लेट्स गो लेडीज एंड जेंटलमैन ये वाला रास्ता था मैंने सोचा नहीं था कि यही जाएगा नीचे Damn good and dangerous too. Oof.
यार अभी रेस्ट करने के बाद है ना काफ़ी ऐसा हो रहा है जैसे कि थकावट हो गई हो। वैसे भैया ऑफ रोडिंग में सॉरी ट्रेल राइडिंग में थकावट ज़्यादा होती है क्योंकि ट्रेल के रास्ते हमारे ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा फोकस और बॉडी मैनिपुलेट करनी पड़ती है बार बार इधर से उधर, इसीलिए बॉडी ज़्यादा थक जाती है। कोई नहीं आ गए हैं थोड़ा सा कंफर्टेबल ग्राउंड पर आई थिंक। और भैया इधर ठंड ज़्यादा है क्योंकि थोड़ा सा घना एरिया ये वाला। जल्दी में से बाहर होंगे मुझे लग रहा है आज मेरी जैकेट फट के जाएगी यहाँ से। भैया हम निकला है बाहर